मेरा नाम दिनशा है और मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पे स्किल ब्लॉक से है, तो आज यहाँ पे वुमेंस डे मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने, जो अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब हमें मोटिवेट करता है। एंड यहाँ के चीफ गेस्ट डीसी साहब थे जी, तो उन्होंने आपके काम को सराहा। तो कैसा फील हो रहा है जी? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। सर जी, ये जो आज वुमेंस डे यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और यहाँ पे बहुत बड़े जो गेस्ट आए थे, आप उनसे भी मिल ही चुके हैं ऑलरेडी। अभी हमने यहाँ पे पर्सनली जो यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगाए हैं, जो कि इन्होंने खुद ही, हमने, मैं भी हूँ इनमें और हमारी बाकी के जो भी कुलीग्स हैं, इन्होंने खुद ही ये सब कुछ प्रिपेयर किया है। स्टॉल्स जो जो लगे हैं आप अभी देख ही रहे हैं, इसमें से बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो कि डॉक्टर जो डीसी साहब हैं वो आए हैं, उन्होंने खुद भी यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स लाइक किए हैं, पसंद किए हैं, और उन्होंने ख़रीदे भी हैं। बाकी जो हमने यहाँ पे बनाया है, जो भी यहाँ पे मटेरियल्स हैं, आप देख सकते हैं, ये हमने ही किया है। आज जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे को लेके बहुत सारी तकारीब शहर में हो रही हैं, तो वुमेन कॉलेज नवाकदल में इसी सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। और जो महिला शक्ति केंद्र है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करता है, डिफरेंट जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनमें अवेयरनेस ले जाना, और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन है, कहीं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, हरासमेंट के केसेस हैं, या कोई भी ऐसे इश्यूज हैं जिससे अग्रीव्ड वहाँ पे कोई कंप्लेंट दी जा सकती हैं। उसके अलावा जो वुमेन कॉलेज की यहाँ की मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल, बाकी तमाम लोग, इन सब ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें डिफरेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन हुई और एक वे फॉरवर्ड प्लान किया गया कि क्या क्या इकदाम इंतजामिया को, डिपार्टमेंट्स को, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत बेहतरीन एक यहाँ पे एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है, जो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का जो एक्सपर्टीज़ है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो शोकेस किया है। पेपर मशी से लेके कैलीग्राफी तक, हैंडमेड क्लोथ से लेके एम्ब्रॉयडरी और बाकी जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, उससे लेके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, तो बड़ा अच्छा एक टैलेंट का डिस्प्ले भी है। मुझे लगता है कि रियल एम्पावरमेंट इसी चीज़ में है, जब इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन को प्रोवाइड किए जाएँ, और उसमें एक अच्छा स्टेप है कॉलेज की तरफ से भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से। बात करें, दिन ब दिन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा आगे आ रहे हैं, तो सर क्या? मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि केसेस रिपोर्ट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टांसिस में देखा गया कि ऐसे केसेस सामने नहीं आते हैं, और वो कॉन्फिडेंस विक्टिम्स में आने लाने की ज़रूरत है कि जस्टिस डिलीवरी ऐसे केसेस में प्रॉम्प्ट होगी और ज़रूर जस्टिस डिलीवर किया जाएगा। और इसको लेके जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन है, वुमेन पुलिस स्टेशन है, उनको डेफिनेटली उनको अप्रोच करना चाहिए, ताकि एक टाइम बाउंड रिड्रेसल वहाँ इशू का हो सके। मैं फिर से रिट्रीट करना चाहूँगा कि जैसे भी यहाँ इस किस्म के कोई इंस्टांसिस हों, तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए। सर, अगर हम बात करें सर अपनी दीन, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एक दर्जा दिया है एक औरत को, सर तो सर आपकी तरफ से क्या मैसेज रहा है? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप अगर रिलीजन की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो बड़ा वाज़ह तौर से इक्वल जो राइट्स हैं वुमेन को हैं, मैन के बराबर हैं, और उसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं होनी चाहिए। इनेबलिंग एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, एजुकेशन में या हेल्थ में, जो भी एक्सेस टू एजुकेशन या हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, जेंडर गैप उसमें मिनिमाइज किया गया, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि डिसीजन मेकिंग में एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो खवातीन की, वो होने की ज़रूरत है। आज के दिन जो 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, इसका मेन एम यही है कि जो कहीं पे डिस्पैरिटी होती है, जो औरत जो पीछे रह गई है, उसके क्या वजूहत है। अभी ज़माना बहुत बदल गया, औरत बहुत आगे आ चुकी है, छोटे मोटे अभी भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। उन चैलेंजेस में ये मतलब नहीं कि मर्दों को पीछे रखना है, मर्दों को भी साथ साथ चलाना है, और अल्टीमेटली मर्दों की हेल्प से जो ज़्यादतियाँ औरत के साथ होती है, उसको किसी हद तक कम किया जाए, और औरत को हर एक फील्ड में जाने की इजाज़त मिले, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहती हैं, उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे लड़के को ट्रीट किया जाता है, वैसे लड़की को भी ट्रीट किया जाता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जहाँ पे लड़कियाँ, अगर वो कहीं बाहर जाना चाहती हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क है, लड़के और लड़की में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। छोटे जो बैरियर्स खड़े किए हैं सोसाइटी ने या पेट्रियार्कियल सिस्टम ने, उनको हटाना है, और लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर हम आज की बात करें, आज के इस समाज में जो औरत को एक दर्जा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कहूँगा? नहीं, दर्जा तो बहुत मिल चुका है। अब एक चीज़ जो है जिससे हमारे सारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे हमारी सोच, हमारा रहन सहन, हमारे जो तरीका है ज़िंदगी का, वो सारा इम्प्रूव हो सकता है, बेहतर हो सकता है।
अगर हम सब लोगों को, सब लड़कियों को एजुकेट करें और एजुकेशन से वो अपने रवैये को, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें। अगर हम मैम बात करें आज की, जो मतलब डाउरी पे एक औरत को ट्रीट किया जाता है, हमने परसों ही देखा सोशल मीडिया पे एक बाहर की लड़की जिसने खुदकुशी उससे पहले मतलब एक, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी? नहीं, ऐसा है कि लड़कियों को एम्पावर करिए, लड़कियों को एजुकेशन दे दीजिए ताकि वो कल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर फाइनेंशियली बच्ची इंडिपेंडेंट हो तो वो डिसीजन खुद ले सकती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। वो समाज के लिए एक ऐसी मैसेज है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ ताकि वो कल को ये जो ड्रास्टिक स्टेप सुसाइड का है वो बच्चे ना उठाएं, अपनी ज़िंदगी वो अपनी मर्ज़ी से लीड करें और एक प्रॉपर दायरे में रह के अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें।